हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज 24 फरवरी हो गई है और हम आपको इस स्वीट पी के बारे में बताएंगे और साथ में इसकी केयर टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। इसको आप सब्जी वाली मटर मत समझिएगा, वे जो है वो ग्रीन पी यानी कि हरी मटर होती है और ये स्वीट पी है, अपने इन सुंदर सुंदर फूलों के लिए लगाई जाती है। ये जो है एक वाइन है, बेल है, जिसकी की हाइट 1 से 2 मीटर तक आराम से हो जाती है और फ्रेंड्स, जो भी चीज़ पाती है ये उसी में चढ़ जाती है। इसने हमारे कोलियस पर भी कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये जो है ये एक एनुअल प्लांट है जिसके की सीड बरसात के समय लगा देने चाहिए। हमने इसको जो है नवंबर में लगाया, एक्चुअली में हम इसको लगाना भूल गए थे और जब विंटर सीजन के दूसरे सीड्स लगाने लगे तब इसके सीड को पड़ा देखा तो हमने तब इसको लगाया, इसलिए ये जो बेल है हमारी थोड़ी छोटी रह गई है, नहीं तो ये काफ़ी ऊंची हो जाती। इसमें जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते से ही सीड्स जो सॉरी ये फ्लावर्स जो हैं ये शुरू हो गए थे फ्लावरिंग इसकी। फूल जो है देखने में काफ़ी कुछ बटरफ्लाई की तरह लग रहे हैं और इनके पास से जो है हल्की हल्की सी बिल्कुल खुशबू आती है। दोस्तों, ये जो है कई कलर्स में आते हैं, जैसे कि पर्पल तो आप देख ही रहे हो, इसके अलावा वाइट है, रेड है, पिंक है। इससे जो है कॉमन नाम जिसका है वो लेथीडोरस भी है। इसकी अगर हम लोग केयर की बात करते हैं तो जो है बहुत ही इजी टू ग्रो वाइन है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले इसके लिए सपोर्ट ज़रूर लगाएं, नहीं तो आप इसकी ब्यूटी को ठीक ढंग से देख नहीं पाओगे। और जब भी इसके सीड्स लगाएं तो थोड़ा दूर दूर लगाएं, जैसे कम से कम जो है 14-15 इंच की दूरी तो इसको रखें। इस समय जो है गर्म बहुत तेज़ी से पड़ने लगा है, इसलिए नीचे का जो फोलियज है सूखने लग गया है, हमने तो उसको ऐसे ही रख दिया है। और फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे से कंटेनर में भी चल जाती है, हमने देखिए इसको इस प्लास्टिक के बैग में लगाया है, ये ग्रो बैग नहीं है, ऑर्डनरी शॉपिंग बैग है, इसी में लगा दिया है। आप चाहो तो इसको 7 इंच वाले कंटेनर में भी लगा सकते हो, जो 7 इंच का गमला आता है उसमें भी लगा सकते हो, ये बहुत आराम से चल जाएगी। इसको जो है जब इसकी लता फैलने लगती है तो उसको एक के ऊपर उसकी जो डालियां ब्रांचेस हैं वो ना डालें, बल्कि थोड़ा फैला के रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास पास होने के कारण जो हवा का बहाव है वो प्रॉपर रूप से हो नहीं पाता है और इस कारण जो है इसमें पॉडरी मिल्ड्यू वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड केयर टिप है फ्रेंड्स इसकी प्रूनिंग के बारे में, पिंचिंग के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आपका प्लांट जो है लंबे समय तक चले तो जैसे ही इसका जो फूल सूख रहा होता है उसे काट दें, और काट देने से जो है उसके सीड पॉड नहीं बनेंगे, और काटते भी जो हैं वो बिल्कुल फ्लावर के पास से ना काटें बल्कि थोड़ा दूर से, यहाँ से देखिए काटिए तो वो वाली पूरी स्टेम जो है वही कट जाएगी, जिससे कि नए नए इसमें से शूट्स निकल आएंगे। और हमेशा कैंची से ही कोशिश करें काटने की, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं रहता, हाथ से ठीक नहीं रहेगा काटने के लिए इसको। फ्रेंड्स, इसके जो सीड पॉड जब बनने लग जाएंगे तो इसकी जो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल को ख़त्म समझने लग जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप इनकी जो ये ब्रांचेज हैं जिसमें फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, उनको ज़रूर हटा दीजिएगा। इसको जो है सनलाइट की बात करें तो इसको विंटर के समय तो फुल सनलाइट अच्छी लगती है, लेकिन अब जैसे कि फरवरी में धूप तेज होने लग गई है, अभी तो चलो फिर भी चल रहा है ठीक है, लेकिन मार्च तक इसको किसी शेडी जगह पर थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हमारे तो ऐसे ही टेरेस में पड़ी रहेगी, यहाँ कोई भी इंतज़ाम नहीं है अभी तो फ़िलहाल, तो ऐसे ही रहेगा। सॉइल की बात करें तो इसको अच्छी गोबर खाद वगैरह मिला करके लगा दें, उससे यह होगा कि आपको बार बार फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डालना भी चाहते हो तो फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना ज़्यादा ठीक है। ये देखिए इसके सूखे फूल हैं, अब ये देखिए इतनी हार्डी ये वाली ब्रांच है कि इसको हम ऐसे निकालते हैं तो ये नहीं टूटती है, ज़्यादा जोर तोड़ लगाएंगे तो हो सकता है प्लांट ही पूरा नुकसान हो जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलती है, इसलिए इसको कैंची से ही निकालना चाहिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स डालते भी हैं तो 14-15 दिन में डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र की, क्योंकि एक बार जब गोबर खाद वगैरह मिला करके अच्छी तरीके से इसको लगा दोगे तो उसी में चलता रहेगा।
पानी जो है अच्छे से इसमें दें, जब भी पानी दें मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें, ड्राई ना होने दें। ड्राई हो जाएगा तो जो फोलियज है इसका बहुत जल्दी सूखने लग जाएगा, क्योंकि अब धूप जो है बढ़ गई है। तो इस समय के जो प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहे हैं तो उसमें पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों बस यही सब छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक पर हिट कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।